स्मृति जी, एक सवाल मेरा आपसे और है। ठीक है, ये आपने बात की, आप आत्मविश्वास से लबरेज है, होना भी चाहिए, अभी नतीजे आपके पास है, लेकिन एक सवाल मेरा है आपसे। आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हाँ जी। बड़ी सारी ऐसी योजनाएं जन कल्याण की, जाहिर सी बात है हर तबके को फायदा हो रहा है, लेकिन जब ये इलेक्शन की बारी आती है तो राजस्थान में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं, पहले आपके मुस्लिम विधायक यहां पर रहे, ये सवाल तो उठता है कि आखिरकार क्या इसके जरिए एक मैसेजिंग देने की कोशिश होती है ध्रुवीकरण की? अगर मैसेजिंग देना होता तो ईरानी को मंत्री क्यों बनाते हैं? इनका नाम क्या है जी? मैंने राजस्थान का जिक्र किया, मैं देश का जिक्र कर रही हूं। देखिए, जिन लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर जन्म देने की कोशिश की, मैं उनसे पूछती हूं आज, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर घर में नल से जल आना चाहिए, तो क्या उन्होंने ये कभी कहा है कि नलके में जल उसी के घर आएगा जो हिंदू का घर है? नहीं कहा। नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि हाईवे बनानी है, तब कहा कि उस पर सिर्फ हिंदू चलेगा? नरेंद्र मोदी ने कहा जब कि नई शिक्षा नीति बनानी है, तब कहा कि शिक्षा नीति सिर्फ बीजेपी के वोटर के लिए है या हिंदुओं के लिए? नहीं कहा जी। तो जब नरेंद्र मोदी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो आप इस भावना, और आप मुझे कहना चाहते हैं कि मैं आज हिंदू होने के नाते अल्पसंख्यक मंत्री हूं जी, और मैं पुरुषों के लिए भी काम करती हूं, तो अब क्या आप इस प्रकार की राजनीति चाहते हैं कि पुरुषों का काम सिर्फ एक पुरुष नेता करे, महिलाओं का काम सिर्फ एक महिला नेता करे, हिंदुओं का काम सिर्फ हिंदू नेता करे, क्रिश्चियंस का काम सिर्फ? ये किस प्रकार का बंटवारा है जी? ट्राइबल का काम सिर्फ ट्राइबल नेता करे? आप देश को और तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका कहना है कि विपक्ष देश को, जब एक विधायक तोड़ने की बात कर रहा है, जब एक विधायक और एक सांसद अपने लोकसभा राज्यसभा या विधानसभा में प्रवेश करता है, तो जो शपथ ली जाती है संविधान की, क्या उस शपथ में कहीं लिखा है कि मैं सिर्फ एक वर्ग धर्म विशेष के लिए काम करूंगा या करूंगी? नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, देश को तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए, देश को इन्फॉर्म करने की बात होनी चाहिए। अगर इन्फॉर्म करने की बात, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, पूरा देश जानना चाह रहा है कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है जी, वो सही समय पर अपना निर्णय प्रेषित करेगी जी। अब आप चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म है मोदी की गारंटी का, उस प्लेटफॉर्म पर मैं इतना घमंड करूं कि अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकारों का हनन कर दूं, तो ये तो संभव नहीं, नहीं है। मुझे पूरा भरोसा था कि आप नहीं देंगे इस सवाल का जवाब, लेकिन सवाल पूछा जरूर कि आपका जवाब किस तरह से आता है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इसका मतलब आप इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आप ट्रायल्स कर रहे हैं। नहीं, मैं इंटरव्यू कर रहा हूं सुमित जी, नहीं, वो ट्रायल करते होंगे कुछ लोग, लेकिन मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। तो खैर, इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन ये तो स्मृति जी बता सकती हैं कि कब तक कितना इंतजार करना जैसे पड़ेगा? जैसे कि मैंने कहा ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड आपको बता देगी, उत्सुक क्यों हो रहे हैं? आपके यहाँ पे कई धुरंधर ऐसे पत्रकार भी हैं जो आपको विश्लेषण और सुर्खियों से कहाँ कहाँ से उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं वो भी बता देंगे, ट्वीट भी कर देंगे। एक तो बैठे हैं यहाँ पे, उनका नाम नहीं ले रही हूँ। अच्छा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।